अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हाउ आर एवरीबॉडी, दिस इज योर एमडी जय, एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आप पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमारा सोफा जो था वो एक्चुअली नहीं बन पाया हमारे से, तो हमने नया सोफा ऑर्डर किया था और नया इन्फ्लेटेबल सोफा गाइस, और नया इन्फ्लेटेबल सोफा यहाँ पर आ चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ और इसके अनबॉक्स करते हैं, और गाइस अनबॉक्स करके आपको दिखाता हूँ कैसा होता है और उसे हवा भरती है उसके अंदर, जो भी होगा दिखाएंगे गाइस। गाइस, ये है इसकी पहली लेयर जो कि बैक रेस्ट होती है, और ये है इसकी दूसरी लेयर, और ये नीचे वाली तीसरी लेयर। इसको हवा भरवाते हैं, आपसे दिखाते हैं गाइस। सो गाइस, कुछ ऐसा रहा इसका हाल और इसका शेप, और ये है सोफा गाइस। अभी इसको बेड बनाते हैं, बनाइए मलिकरियन, बेड बनाइए। ये है बेड, इसके आराम से लेट सकते हैं, सो सकते हैं। तो गाइस, ये है कुछ यहाँ का बेड, ऐसा बनता है बेड गाइस। ये तोतला है, और यहाँ पर आराम से तीन जन सो सकते हैं गाइस, थ्री सीटर है। तो गाइस, यहाँ पर दो जन नमा चुके हैं, और इस बीच में और एकला आराम से आ जाएगा। मैं एक अल्तमश और काले मीनार से गुजारिश करता हूँ। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो गाइस, ये था इसका बेड, और अगर आप इसको यूज करके अगर सिनेमा या फिर कोई भी टीवी वगैरह देखना चाहते हैं तो वो भी है, करिए एक बार। गाइस, ये है कुछ ऐसा, ये पीछे से इतना पोर्शन जो है वो कुछ ऐसा में है, और ऐसे होता है गाइस, यहाँ से ये बैक रेस्ट मिलती है, और यहाँ पर आधा धड़ यहाँ पर मारता है। अगर सामने से यही इधर सामने, जो कि मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि सारा स्टूडियो दिख जाएगा, यहाँ पर सामने आप कोई भी टीवी या फिर सिनेमा देख सकते हो ऐसे पोजीशन में करके। तो दूसरी पोजीशन दिखाता हूँ, ये पोजीशन हमने इन्वेंट किया है, इंडियन देसी जुगाड़। ये पोजीशन तो इसमें नहीं है, बट हमने ये ऐजाद किया है, अगर आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो। और गाइज, दूसरी पोजीशन आपको दिखाता हूँ, आई थिंक चौथी
चौथी पोजीशन। ये जो बैक रेस्ट है इसकी हवा को निकाल के फिर एक बेड बन जाएगी, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इसका नोजल है, गाइस ये प्लेन बेड, आपको अगर चाहिए तो ये प्लेन बेड बन गई गाइस। और ये फिफ्थ पोजीशन हो गई, और सिक्स्थ पोजीशन आपको दिखाते गाइस। अगर आप ये प्लेन बेड, ये तीन जन के लिए हो गई गाइस, अगर आप इसको सिंगल पर्सन यूज करना चाहते हैं तो गाइस सिंगल पर्सन के लिए होगा। यहाँ पर एक सिंगल मैन सो सकता है, या सिंगल मैन या वुमन जो भी हो ऐसे सो सकता है गाइस। ये है हमारे कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो ये था कुछ इसका हाल, और आपको मिलते हैं आगे। सो गाइस वेलकम बैक। अभी हम आ चुके हैं इसमें तीन जन सोफे में, और पिछली वीडियो में आपने जो सोफा देखा था उसको हम रिटर्न करना है गाइस। रिटर्न करके ये सोफा तो आ गया, फिर वो रिटर्न करेंगे, देखेंगे आगे कुछ भी होता है जो आपसे बताएंगे गाइस। और अब कुछ नहीं गाइस, अभी चिल करना है बस, इसको जैसा चाहे वैसी मर्जी से बनाना है, और जो कारनामे करने हैं अपन के जो भी कुछ करना है। तो गाइस मिलता हूँ आपको, अभी बज रहे हैं दो, तो गाइस सभी लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, लंच के लिए गाइस, और लंच के बाद आएंगे, फिर आने के बाद आपसे मिलते हैं गाइस। सो गाइस वेलकम बैक। सो गाइस आवाज धीरे से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर काले मीनार उर्फ अल्तमश यहाँ पर सो रहे हैं गाइस। ठंडी ठंडी आवाज चल रही थी, और नरम जब सोफा है तो बंदे को नींद आ गई, वो सो रहा है। और इसके साथ हम एक छोटा सा मजाक करने वाले हैं, इसको कुछ सीरियस मत लें, ये मजाक ही है। और देखेंगे गाइस, ये है हवे की मशीन जो कि हम इससे सोफा को फिल करते हैं। ये कोई डेंजरस मशीन नहीं है, बस इसमें से हवा आती है, देखें आप। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया गाइस। बस इसमें से हवा आती है, और इसके शर्ट में हवा छोड़ेंगे, और देखेंगे। बड़ा हरामी हो बेटा। The next day. So hello guys, welcome back to another day. So guys, अभी मलिक रान के घर बस आए, और अब जा रहे हैं नमाज को, और नमाज के बाद कुछ तो खाने के लिए बाहर जाएंगे, जो भी प्रोग्राम बनेगा आपको दिखाते हैं। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लिप में। So guys, नमाज पढ़ के हो चुका है, अब जा रहे हैं कुछ बाहर खाने के लिए, वहाँ जाकर आपसे मिलते हैं। अंधेरा अंधेरा ये शम्स स्कूल। वेलकम बैक। सो गाइस अभी हमें आए हुए हैं वड़ा पाव खाने के लिए, और गाइस बैकग्राउंड को कुछ इग्नोर करो क्योंकि हम अंदर बैठे हुए हैं गाइस। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम बाहर बैठे थे, हम बाहर ज्यादातर इसलिए नहीं बैठते क्योंकि फैंस लोग आ जाते हैं गाइस, स्टोरी वगैरह देख के। स्टोरी वैसे भी नहीं डालता, बट रोड पे वगैरह देख के फैंस लोग आ जाते हैं, ले सेल्फी ले ऑटोग्राफ, और खाने नहीं देते गाइस। और शक्ल देखिए अपनी, कुत्ता गजब बेइज्जती है। व्लॉग शूट करने का भी नहीं होता, इसलिए हम अंदर बैठे हुए हैं गाइस। सो मिलता हूँ आपको वड़ा पाव खाने के बाद। आपने सोचा, आप कह रहे होंगे कि खाली सिर्फ वड़ा पाव फ्रूट जूस, वड़ा पाव फ्रूट जूस, ऐसा नहीं है गाइस। ये सस्ता वड़ा मस्त बहुत बेहतरीन है हमारे लिए। तो
क्या बोला तूने? एहसास तो अलग मस्त बहुत, एहसास तो अलग मस्त बहुत। और पसंदीदा आइटम है अपना, तो बस खाने के बाद आपसे मिलता हूँ, तब तक आप सिनेमैटिक शॉट एंजॉय कीजिए। Disasters, it comes and goes, the life of dreams.